यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 रसायन विज्ञान यानी कि विज्ञान का पार्ट नंबर 2 है रसायन विज्ञान। टॉपिक का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण इसमें कुछ वीडियोस हो चुकी हैं, शायद 3 हो गई हैं, अब वीडियो नंबर होना है 4। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूँगा पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है? ठीक है, स्मॉल पी एंड कैपिटल एच इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना यानी कि अम्ल एवं क्षारकों का पता लगाने का एक पैमाना है। यानी पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसमें जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। ठीक है, पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिस पर 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। इसकी सहायता से पदार्थों की अम्लीयता, अम्लीयता एवं क्षारकता की गणना की जा सकती है। ठीक है, अम्लीयता एवं क्षारकता की गणना की जा सकती है। इससे बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षारक है। क्योंकि 0 से 6, 0 से 6 वाले पैमाने पे 0 से 6 तक अम्ल छपे होते हैं, वहाँ तक वाले होते हैं अम्ल। 7 नंबर होला होता है जल, ना अम्ल है ना ही क्षारक है। और 8 से लेकर 14 तक ये होते हैं क्षारक। ठीक है, तो पीएच में अंक अगर 0 से 6 तक हैं तो वे अम्ल हैं, 7 नंबर जल होता है, ना तो अम्ल होता है ना क्षारक होता है, जो शुद्ध जल होता है। अब किस प्रकार से इसकी गणना करते हैं पीएच पैमाने को? ये मान लीजिए पीएच पैमाना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से अंक छपे होंगे 11, 12, 13 एंड 14। 7 नंबर बीचों बीच जो है ये होता है शुद्ध जल, H2O, शुद्ध जल या पीने योग्य जल। ठीक है, ना तो ये अम्ल होता है और ना ही क्षारक होता है, अम्लीयता भी नहीं होती है और इसमें क्षारकता भी नहीं। इससे कम वाले होते हैं अम्ल, अम्ल। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर पे होगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल इधर की ओर, इससे और थोड़ा सा प्रबल, इससे और प्रबल, यहाँ पे होगा प्रबल अम्ल। वन पे काउंट किया जाता है, वन पे प्रबल, और ये वाला इससे थोड़ा सा दुर्बल, यानी कि इधर की ओर दुर्बलता होती चली जाती है अम्लों की। अगर इधर से इधर की चलेंगे अम्लों की दुर्बलता का क्रम आएगा, और इधर की ओर चलेंगे तो अम्लों की प्रबलता, यानी कि 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रबल है, 2 पे उससे थोड़ा दुर्बल हो गया, 3 पे और दुर्बल, 4 पे और दुर्बल, 5 पे और दुर्बल, और 6 पे और दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और 7 पे आता शुद्ध वाटर जो पेय योग्य जल होता है। ऐसे ही इधर आते हैं क्या, क्षारक। ठीक है, ये क्षारक ऐसे आते चले जाएंगे। 14 नंबर पे सबसे प्रबल क्षारक होता है, प्रबल क्षारक यानी इधर की ओर क्षारकता का बढ़ता क्रम है, क्षारकता का बढ़ता क्रम, और इधर अम्लीयता का बढ़ता क्रम इधर की ओर है, इधर की ओर घटता क्रम है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं क्षारकता का मान बढ़ता चला जाता है। तो अम्ल और क्षारकता में इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। वैसे यहाँ पर 10th क्लास में इनका खास यूज़ नहीं है, क्योंकि यूजिंग 11th क्लास में फर्स्ट इंटर जो केमिस्ट्री है वहाँ पे मिलेगा। पी एच इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन किसी में है तो उससे हम पी एच मान निकाल सकते हैं, यानी कि इस अम्ल का पी एच मान क्या होगा, तो ये क्वांटिटीज फाइंडिंग की जा सकती है।
और जैसे कि एक होता है पी ओ एच इक्वल टू माइनस लोग ओ एच आयन की सांद्रता, इससे दूसरा निकालते हैं, इसे पी एच मानते हैं और इसे पी ओ एच। एक फॉर्मूला होता है पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। एक फॉर्मूला होगा एच पॉजिटिव आयन इंटू ओ एच निगेटिव आयन इक्वल टू 10^-14। इन फॉर्मूलों का हमारे यहाँ कोई खास यूज़ नहीं है, फिर भी बता दिए गए हैं क्योंकि 10th लेवल में है, ठीक है। तो पीएच पैमाने से किस प्रकार से हम अम्ल क्षारक एवं जल का निर्धारण करते हैं, क्योंकि पीएच पैमाना की लैंग्वेज बता दी, पीएच पैमाना क्या होता है और 0 से लेकर 6 तक क्या होंगे, अम्ल होंगे, और 7 नंबर पे जल होता है जिसको शुद्ध जल कहा जाता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होता है, ठीक है। तो 8 से लेकर 14 तक क्षारकता का बढ़ता क्रम है, आगे की ओर क्षारकता बढ़ती चली जाती है।